इन क्लास सेकेंड ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 20 चैप्टर 4 पॉसेसिव नाउंस। तो बच्चा कल हमने देखा था पॉसेसिव नाउंस के बारे में, किस प्रकार से एपोस्ट्रॉफिक और उसके बाद एस को ऐड करते हैं। तो उस ये क्या करता है, ये चीज़ों के बारे में बताता है कि ये चीज़ किसकी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बॉब के बारे में पढ़ा था, तो बॉब में एस लगा के हमने पता चल गया था कि बॉब्स अम्ब्रेला बॉब का छाता है। सैम था तो दिस इज सैम्स, यानी कि सैम के बाद कॉमा लगा के एस किया था तो सैम्स बॉल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके एक्सरसाइज हम अभी बुक में करेंगे, उसके बाद हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग एस टू वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में आपके पास वर्ड्स दे रखे हैं, आपका काम क्या है, सिर्फ उनमें पहले कॉमा लगाना है फिर एस लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है लीला एंड मैरी गोइंग टू स्कूल। आप देखिए फर्स्ट में आपका क्या है, डैश है, तो यहाँ पे हमने लीला लिखा हुआ था ना, तो लीला एस कर देंगे। लीलाज बैग इज़ ब्लू, यानी कि लीला का बैग ब्लू है। किसका बैग ब्लू है, लीला का। सेकंड मैरी है, तो मैरी में भी एस लगा देंगे। मैरीज बैग इज़ ब्राउन, और मैरी का जो बैग है वो ब्राउन है, एक कप नीला है एक कप भूरा है। ठीक है, सेकंड माय मोबाइल इज़ नॉट वर्किंग, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है। आई एम यूजिंग माय सिस्टर्स, अब देखो सिस्टर था तो एपोस्ट्रॉफिक लगा के एस लगा दिया, सिस्टर का। मैं किसका मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, किसका मोबाइल प्रयोग कर रही हूँ, अपनी बहन का। ठीक है, थर्ड दे वर ट्रैवलिंग इन माय कार, अब अंकल है। अब देखिए इसमें आया था अंकल, तो हमने दे आर ट्रैवलिंग इन माय अंकल्स कार, वे भी मेरे चाचा के साथ मेरी चाचा की गाड़ी में यात्रा कर रहे, ट्रैवल कर रहे थे। तो क्या आएगा, ट्रैवलिंग कर रहे हैं मतलब, तो ये क्या है, अंकल यानी कि चाचा की गाड़ी में। ठीक है, अब इसमें है कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, एड एस टू वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने इनमें भी ऐसे ही करना है जैसे आपने ऊपर किया था। यहाँ पे आपके पास वर्ड्स दे रखे हैं जैसे एलिफेंट, काउ, जिराफ, माउस, बटरफ्लाई। तो फर्स्ट द माउस, देखिए इस प्रकार से टेल इज़ लॉन्ग, यानी कि चूहे की पूंछ बहुत लंबी है। ठीक है, सेकेंड द जिराफ नेक इज़ लॉन्ग, जिराफ एस लगा के जिराफ्स, कि जो जिराफ है उसकी गर्दन कैसी है, लंबी है। थर्ड द बटरफ्लाई विंग्स आर कलरफुल, जो तितलियां हैं तितलियों का पंख क्या होते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। फोर्थ द एलिफेंट्स ईयर्स आर बिग, हाथी के कान क्या हैं, बड़े हैं। एंड द काउज मिल्क इज़ गुड फूड फॉर अस, जो गाय का दूध होता है वो हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, अच्छा होता है। तो आपने क्या देखा, इन सब में क्या लिखा, एस लगा, यानी कि इन सब में उसका हक है। ठीक है, यानी कि जिनका हक है उसी में क्या है, एस लगा, ये चीज़ें उनकी हैं। इसी प्रकार है चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉसेसिव नाउन वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे सीधा उसी के बारे में कहा जा रहा है, जैसे देखिए द पेंसिल ऑफ सैम, किसकी पेंसिल है, सैम, तो हमने इस तरीके से लिखना है सैम्स पेंसिल। द स्कर्ट ऑफ पिंकी, पिंकी स्कर्ट। द विंग्स ऑफ द विंग्स ऑफ चिक्स, तो चिक्स विंग। द मदर ऑफ असीम, असीम्स मदर। द बैग ऑफ वूमेन, वूमेन्स बैग। एंड द हॉस्टल ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हॉस्टल, चिल्ड्रन हॉस्टल। तो इस प्रकार से हम बुक में फिल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज सारे बच्चे अपनी कॉपी में बुक में ही फिल करें। ओके।